हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक द कंप्लीट गाइड फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। आज हम जानेंगे सीटीएट 2018 का आंसर के बारे में, तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, सीटीएट का जो ऑफिशियल नोटिस आया है कि जो आंसर के बारे में, तो चलिए देख लेते हैं क्या नोटिस है। तो नोटिस ये है कि ऑल द कैंडिडेट हु अपियर्ड इन सीटीएट डिसम्बर 2018 हेल्ड ऑन 9 डिसम्बर 2018 आर इन्फॉर्म दैट द स्कैंड इमेजेस ऑफ OMR आंसर शीट ऑफ द कैंडिडेट एंड आंसर के विल अपलोड ऑन द वेबसाइट www.ctet.nic.in from 28th December 2018 to 13th December 2018 till 5 PM। तो CTET का जो एग्जाम हुआ था 9th December 2018 को, उसका जो OMR सेट एंड आंसर के वो www.ctet.nic.in में 28th December से लेके 30th December तक अवेलेबल होगा। एंड देयर इज अ प्रोविजन फॉर द कैंडिडेट टू चैलेंज द आंसर के थ्रू द लिंक अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ctet.nic.in from 28th December to 30th December 2018 till 5 PM। A fee of Rs 1000 per question will be required to be submitted through credit debit card. The fee once paid is non-refundable. If the challenge is accepted by the board, that is if any mistake is noticed by the subject experts in the answer K, a policy decision will be notified on the website and the fee shall be refunded. The refund, if any, will be transferred online to the concerned credit debit card account. So the candidate are advised to pay from their own credit debit card. CBSE decision on the challenge shall be final and no further communication will be entertained. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कैंडिडेट जो एग्जाम दिए हैं, वो अगर कोई भी क्वेश्चन उनके गलत निकला तो वो ctet.nic.in में वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं CTET से। तो उनके अगर जो क्वेश्चन सही होगा तो उनको जो 1000 जो रिफंड हो जाएगा, अगर वो गलत हुआ तो वो 1000 नहीं मिलेगा। तो आपको हर सवाल के लिए 1000 देना पड़ेगा ctet.nic.in में, और जो कि क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड से, अगर वो सही होगा तो आपका पैसा मिल जाएगा, अगर नहीं होगा तो आपका पैसा नहीं मिलेगा। तो आप अभी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि www.ctet.nic.in में जाके अपना जो आंसर के और जो OMR शीट देख सकते हो। तो दोस्तों, ये अपडेटेड नोटिफिकेशन आपको कैसा लगा, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारा स्टडी ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब कर देना।